सितंबर में बनने वाले दो राजयोग 5 राशियों को देंगे जबरदस्त सफलता। 100 साल बाद एक साथ बनने जा रहे हैं मालवीय राजयोग और भद्र राजयोग। शुक्र अपनी ही तुला राशि में जाकर बनाएंगे मालव्य राजयोग। बुध अपनी उच्च कन्या राशि में जाकर बनाएंगे भद्र राजयोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूँ गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सितंबर महीने में जहाँ ग्रहों का बड़ा खेल होने वाला है, वहीं पर 100 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग बना है कि दो राजयोग एक साथ बनने वाले हैं। 18 सितंबर को शुक्र ग्रह अपनी ही तुला राशि में आकर मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे और उसके 5 दिन के बाद 23 सितंबर को बुध ग्रह अपनी उच्च कन्या राशि में आकर भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे। वैसे तो समय समय पर कई ग्रहों के कॉम्बिनेशन से राजयोग बनते रहते हैं, लेकिन 100 साल बाद ऐसा मौका आया है जब एक साथ भद्र राजयोग और एक साथ मालव्य राजयोग बनने जा रहे हैं। एक साथ ये राजयोग बनने से कुछ राशियों पर बुध और शुक्र की विशेष कृपा बरसेगी। इन राशियों का कैरियर चमकेगा, कारोबार चमकेगा, यही नहीं लव लाइफ बेहतर होगी, रोमांस के मौके मिलेंगे, विदेश जाने के मौके भी मिलेंगे। ऐसी लकी राशियां कौन सी हैं, यही मैं इस पोस्ट में आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसी लकी राशियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मालव्य राजयोग और भद्र राजयोग की खासियत क्या होती है और ये क्या होते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष के पंच महापुरुष राजयोग में मालव्य राजयोग और भद्र राजयोग भी शामिल होते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और टेंथ हाउस, पहले, चौथे, सातवें और दसवें घर में शुक्र या तो अपनी वृषभ राशि में बैठे हों, या अपनी तुला राशि में बैठे हों, या अपनी उच्च मीन राशि में बैठे हों, तो वो मालव्य राजयोग बनाते हैं। और इस राजयोग में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो बहुत साहसी होता है, बहुत पराक्रमी होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत सौभाग्यशाली होता है, समाज में अच्छा स्टेटस रहता है। ऐसे व्यक्ति की जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ रहती है, लग्जरी लाइफ रहती है, हर क्षेत्र में भाग्य का पूरा साथ मिलता है, कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और जिन लोगों की कुंडली में जन्म के समय मालव्य राजयोग होता है, वो लोग फिल्म में, फैशन में, ब्यूटिशियन में, संगीतकार, मॉडलिंग, एविएशन फील्ड में बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। ऐसे लोग खुले विचारों के होते हैं, पर्सनैलिटी में उनकी आकर्षण होता है। अब भद्र राजयोग की बात करता हूं। जब कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और दसवें घर में बुध ग्रह या तो अपनी मिथुन राशि में या अपनी उच्च कन्या राशि में बैठे होते हैं तो भद्र राजयोग का निर्माण होता है। इस राजयोग के प्रभाव से उस व्यक्ति को नौकरी और कारोबार में जबरदस्त कामयाबी मिलती है, धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, समाज में खूब मान सम्मान मिलता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। अब 100 साल के बाद एक साथ मालव्य राजयोग और भद्र राजयोग बनने जा रहे हैं। जो राशियां लकी रहने वाली हैं उनमें पहली राशि जो है वो वृषभ राशि है, शुक्र की अपनी राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए भद्र राजयोग और मालव्य राजयोग का बनना बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि के पंचम तो शुक्र ग्रह सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। कुंडली का जो पंचम भाव होता है इसे विद्या, बुद्धि और संतान स्थान कहा जाता है, इसे प्रेम का स्थान भी कहा जाता है। इसलिए संतान से जुड़ी कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, रोमांस के मौके मिलेंगे, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं, प्रेम विवाह भी हो सकता है, अचानक आपको धन लाभ भी होगा। और शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाएंगे तो आपको बिजनेस में अच्छा रिटर्न मिलेगा, नौकरी पेशा लोगों की प्रमोशन के योग बनेंगे, मनचाही जगह पर पोस्टिंग होगी, कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिससे आपका प्रभाव और बढ़ेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है, बुध की योच राशि है। ये दोनों राजयोग आपकी राशि के लग्न भाव और धन भाव में बनने जा रहे हैं, जिससे आपके कई अटके हुए काम बनते चले जाएंगे, इनकम के नए सोर्स आपके डेवलप होंगे, अचानक आपको धन लाभ होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में निखार आएगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे और परिवार के साथ आप अच्छा समय बताएंगे। व्यापारी वर्ग के लोग इस दौरान कोई नए कारोबार में कोई बड़ी डील कर सकते हैं, नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं।
समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, हेल्थ आपकी बेटर रहेगी, विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो खुशखबरी भी मिलेगी। तीसरी भाग्यशाली राशि तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए भद्र राजयोग और मालव्य राजयोग आपकी राशि के लग्न और 12वें भाव में बनने जा रहे हैं, इसलिए इस समय आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी निखरकर सामने आएगी, संतान की कोई उपलब्धि आपको समाज में गौरव प्रदान करेगी, घर में विवाह योग्य को संतान है तो अच्छे रिश्ते आएंगे, कोई रिश्ता आप फाइनल भी कर सकते हैं, संतान को बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा, प्रमोशन का योग बनेगा, अधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आकर्षक पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी में आपको ऑफर लेटर आ सकता है। चौथी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। भद्र राजयोग और मालव्य राजयोग धनु राशि वालों को जबरदस्त सफलता देने वाले हैं। धनु राशि के जो लोग पुलिस में हैं, प्रशासन में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, रियल एस्टेट में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, कला जगत से जुड़े हैं, उन्हें काफी उपलब्धियां हासिल होंगी, आपकी टैलेंट निखर कर सामने आएगी। सिविल सेवा में कैरियर तलाश कर रहे जो धनु राशि के लोग हैं उनके लिए समय बहुत बेटर रहने वाला है। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। पांचवी भाग्यशाली राशि मीन राशि है। शुक्र की उच्च राशि है मीन राशि पर, हालांकि शनि की साढ़े सती भी चल रही है, लेकिन मालव्य राजयोग और भद्र राजयोग मीन राशि वालों को शानदार सफलता देने वाले हैं। आपके कई अटके हुए काम बनते चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी, विदेश से अच्छी खबर मिलेगी, बिजनेस में कामयाबी मिलेगी, कोई नई प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, तरक्की के मौके मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे और अचानक से धन लाभ होगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।